यदि ईश्वर हर जगह है तो किसी बुरे कर्म होने के समय ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कण कण में है का मतलब ये है कि वो सर्वज्ञ है, उसको कण कण की जानकारी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कर्म व्यवस्था में दखल देगा। गीता में भी कृष्ण ने यही कहा कि तुम कर्म करो, यह नहीं कहा कि मुसीबत में मुझे याद करो और मैं आ जाऊंगा। ईश्वर ने अपना ज्ञान बांटा विभिन्न माध्यमों से, कर्म क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं और कैसे करने हैं। ईश्वर ने युद्ध क्षेत्र में भी सिर्फ प्रेरणा दी अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और अन्य सभी को। उनकी मर्जी से होता कुछ तो उनको विराट रूप दिखाने की जरूरत थी नहीं, विभिन्न योजना बनाने की। उनको बस सोचना था और कौरव खत्म, रावण खत्म। हिंदू और जैन दोनों धर्मों में ईश्वर का स्वरूप अलग अलग है, लेकिन दोनों में कर्म सिद्धांत प्रधान है। दोनों में ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो विश्व की व्यवस्था में दखल नहीं देता है। कोई कर्म भोग रहा है, कोई कर्म बांध रहा है आगे भोगने के लिए। चाहे आप राम को देखिए या कृष्ण को सिर्फ निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते वक्त, या किसी साधु ऋषि के अनुरोध पर ही उन्होंने अधर्मियों का विनाश किया। ऐसा नहीं कि गली गली में घूम घूम कर हर दुष्ट को ठिकाने लगाते रहे। कृष्ण और बलराम भी कंस के अत्याचारों तक सीमित रहे। महाभारत में कृष्ण ने सीधे अस्त्र नहीं उठाए, वो सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। दोनों धर्मों में ईश्वर की पूजा एक आदर्श के रूप में है, जिनके गुण और दिया हुआ ज्ञान हमको जीवन में उतारने के लिए है। रोज ईश्वर की पूजा उन सब गुणों को, ज्ञान को, खुद को बार बार याद दिलाने के लिए है, ताकि हम और आप सही पथ पर रहें। कालांतर में हिंदू धर्म का स्वरूप विभिन्न कवियों और साधुओं की रचनात्मकता से प्रभावित होता चला गया। महत्वपूर्ण सिद्धांत गौण हो गए, भक्ति रस की प्रधानता से कर्म योग और कर्म सिद्धांत गौण हो गए, जो सनातन का सार है। अंग्रेजों और मुगलों ने कहना शुरू कर दिया कि बुला अपने ईश्वर को बचाने की प्रार्थना कर। उनको पता था कि ईश्वर नहीं आएंगे, लेकिन हिंदुओं के दिमाग में भर दिया गया कि चमत्कार होंगे, बस तुम कर्म छोड़कर ईश्वर की पूजा करते रहो। फिर ऐसे ही हिंदुओं का विश्वास डगमगाता चला गया हर नई पीढ़ी के साथ। यथार्थ को जानिए, प्रोपोगंडा से बाहर निकलकर सनातन धर्म के असली स्वरूप को पहचानिए। ईश्वर कहता है आत्मरक्षा तुम्हारा धर्म है, जब भी अधर्म तुमको कुचलना चाहे हथियार उठाकर प्रतिघात करो, साम दाम दंड भेद भी अपनाओ, लेकिन सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, निजी हितों के लिए नहीं। बुरे कर्म जब मानव करता है, उस समय ईश्वर संसार से दूर अपने मोक्ष में, अपने धाम में बैठा होता निर्विकार भाव से संसार की घटनाओं को देखता रहता है। पूर्व जन्म के कर्मों को भोगना ही होता है। लड़की हो या लड़का, ईश्वर भेदभाव नहीं करते। दंड प्रावधान सबके लिए समान है, अर्थात यहाँ कर्म योनि भी है और भोग योनि भी। यहाँ मृत्यु को प्राप्त होना भी एक दंड स्वरूप है। अपने पूर्व जन्म में पितामह भीष्म ने एक टिड्डे को कांटों से बींध कर तड़पता छोड़ दिया था। उदाहरण देते हुए श्री हरि विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है, ईश्वर उसका साथ अवश्य देते हैं जो अपनी तमाम बुराइयों को त्याग कर ईश्वर की शरण में चला जाता है। हालांकि पूर्व कर्मों का भुगतान इनको भी करना पड़ता है, लेकिन अत्यधिक पीड़ा और कष्ट को ईश्वर हर लेते हैं और व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर पुण्य कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करता है। जीवन में निर्दोष, शरीफ और सीधे साधे व्यक्ति के साथ जब कुछ गलत होता है, तो अपनी समझ के हिसाब से स्वाभाविक रूप से हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर ऐसा कैसे होने देता है। दरअसल हम यहाँ साधारणतया कारण और प्रभाव का सिद्धांत लागू करते हैं, जो जीवन पर पूरी तरह लागू नहीं होता। इस संदर्भ में दो बातों को समझना आवश्यक है। पहली यह कि संसार में प्रत्येक प्राणी की चेतना का अलग स्तर होता है। मनुष्यों में भी ऐसा ही है। हमारा स्वभाव, प्रवृत्ति, विचार क्षमता, आचरण और व्यवहार हमारी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। चेतना के निचले स्तर वाले व्यक्ति सही गलत का विचार नहीं सकते। वे केवल अपने लालच, वासना और अहंकार के लिए जीते हैं। उनमें से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले भी होते हैं, जिन्हें दूसरे की दुख तकलीफ की कोई परवाह नहीं होती। समझ सकते हैं कि भगवान ने उन्हें वैसा ही बनाया है। दूसरी बात यह है कि संसार में सभी जीवों को किसी न किसी रूप में दुख तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है। इस तथ्य को गहराई से समझते हुए प्राचीन भारत के मनीषियों ने जो जीवन दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए प्रस्तुत किया, उसमें मोक्ष या मुक्ति की अवधारणा को प्रमुखता से रखा। भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार सुख दुख सांसारिक जीवन के अपरिहार्य अंग हैं। मतलब जब तक जीव संसार के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, तब तक उसे जीवन में सुख भी मिलते हैं और दुख भी। वो संसार में दुखों और कष्टों से बचने के कितने भी उपाय कर ले, बच नहीं सकता। तो फिर इस झमेले से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? यदि वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता के दर्शन को माने तो अंततः संसार से मुक्ति अर्थात मोक्ष ही उपाय है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष क्या है? इसको बिल्कुल संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि यह मनुष्य की चेतना के स्तर की चरम संभावना है।
मतलब यह मानवीय चेतना का वो उच्चतम स्तर है जिस पर पहुंचना मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है।